उस जमाने में यह माना जाता था कि पूरी दुनिया में दो ही देश थे जिनके पास क्वालिटी का स्टील होता था, या तो था डेनमार्क और या था हिंदुस्तान। और 1835 के साल में आप कल्पना कर सकते हैं कि 1835 के साल तक हिंदुस्तान में स्टील बनाने के 10,000 कारखाने थे, एक दो नहीं। और उन 10,000 कारखानों में जो स्टील बनता था, उस स्टील की क्वालिटी का आप अंदाजा करना चाहें तो कभी चले जाइए महरौली नाम के गांव में, एक खंभा लगा हुआ है स्टील का बनाया हुआ, उस पर आज तक जंग नहीं लगी है। दिल्ली के पास सैकड़ों साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है, जंग नहीं लगी है। क्या था? क्वालिटी का काम करते थे हम, कोई ऐसे ही छोटे मोटे लोग नहीं थे। और वो बेस्ट क्वालिटी का स्टील है, इसलिए आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। आज हिंदुस्तान में कोई माइकीलाल कंपनी ऐसी नहीं है जो स्टील बना के दे और वो 100 साल तक टिक जाए। आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, एक जमाना था कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी। तो हिंदुस्तान में ऐसे क्वालिटी के सामान बनते थे जिनकी टक्कर में अंग्रेजी सामान बहुत घटिया होते थे। तो अंग्रेजों को एक काम करना पड़ा कि हिंदुस्तानी कंपनियों को बंद करवाना पड़ेगा और अंग्रेजी माल तभी बिक सकेगा। तो हिंदुस्तानी कंपनियों को बंद कराने के लिए उनको एक रास्ता मिला, क्योंकि सरकार उनकी थी इस देश में। तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाते चले जाओ और अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री कर दो। उसके नतीजे क्या निकले, अंग्रेज हमसे कंपटीशन में कभी टिक नहीं पाए, लेकिन चूंकि बेईमानी से उनकी सरकार चलती थी तो उन्होंने हिंदुस्तान के व्यापारियों को बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून चलाकर और इस देश में लागू करवा के।